नागालैंड के परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में बलवा नियंत्रण मॉक ड्रिल डेमो कराया गया, जिसमें स्वयं पुलिस अधीक्षक फायरिंग करते दिखाई दिए। 22 अप्रैल के दिन मनाए जाने वाले ईद के त्यौहार को देखते हुए उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के लिए बेहद खास और कड़ी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, जिसको देखते हुए किसी भी तरीके के दंगा और बवाल से निपटने के लिए पुलिस अपने आप को अलर्ट करती दिखाई दी है। यह जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यह तस्वीरें पुलिस लाइन परेड ग्राउंड की तस्वीरें हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार समेत सभी क्षेत्र अधिकारी की मौजूदगी में वल्वा नियंत्रण मॉक ड्रिल डेमो कराया गया, जिससे इस बात का अंदाजा लगाया गया कि अगर जनपद में किसी भी तरीके की कोई अराजकता, दंगा वल्वा होता है तो पुलिस ऐसी स्थिति में वल्वाइयों से कैसे सामना करेगी, कैसे दंगाइयों से निपटने की तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक तरफ पुलिस के ही कुछ लोग सादा वेशभूषा में वल्वाई बने दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिस पर पथराव कर रहे हैं, और पुलिस पूरी सतर्कता के साथ इनका सामना कर रही है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिसके बाद स्वयं पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार सूचना मिलने पर दंगा होने वाले स्थान पर पहुंचते हैं और स्वयं धुएं वाली गन लेकर वल्वाइयों को गोलियां दागते दिखाई देते हैं। 21 अप्रैल के दिन पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में अलग सुबह वल्वा मॉक ड्रिल डेमो कराया गया, जो कि पूरी तरीके से सफल रहा। मैनपुरी पुलिस किसी की दंगई, बवाल या अराजकता से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। देखिए, जो आगामी निकाय चुनाव है और त्यौहार है, उसके दृष्टिगत एक पुलिस लाइन में वल्वा ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे सभी प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष और सभी क्षेत्राधिकारी मौजूद हैं, और उसमें वल्वा ड्रिल में जो सेट ड्रिल है उसका अभ्यास कराया गया, और साथ ही जो एंटी राइट इक्विपमेंट है, खास करके जो एंटी राइट गन है, हमारी जो टीयर गैस है और चिली बम वगैरह है, उनका प्रैक्टिकल कराया गया और उनका अभ्यास कराया गया, और सभी लोगों को इसके संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।